समृद्ध भारतवर्ष पर आक्रमण करने वाला प्रारंभिक मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद घोरी, उसके और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए युद्ध की गाथा हमने सुनी होगी। परंतु उस युद्ध के 14 वर्ष पूर्व भारतवर्ष के गर्वी गुजरात की एक रानी ने वह घमंडी घोरी को भारत की मातृशक्ति का ऐसा परिचय दिया कि वह बीच युद्ध में अपने प्राण बचाकर भाग खड़ा हुआ और उसने गुजरात की ओर आंख उठाकर देखने का साहस तक नहीं किया। लगभग वर्ष 940, अनहिलवाड़ आज का पाटन गुजरात, गुजरात के सोलंकी राजवंश जो गुजरात के चालुक्य वंश से भी जाना जाता है, उस अग्निवंशी कुल के प्रथम राजा मूलराज ने शासन संभाला। इस राजवंश ने सुशासन के साथ पाटन की रानी की वाव, मोढ़ेरा सूर्य मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर जैसे कई स्थापत्य कला के उत्तम रचनाओं की भेंट दी जो आज भी प्रसिद्ध है। ऐसे सोलंकी राजवंश के एक राजा अजयपाल ने वर्ष 1171 में सत्ता संभाली। उनका विवाह गोवा के कदम्ब महामंडलेश्वर परमाण की पुत्री नाइकी देवी से हुआ था, परंतु मात्र कुछ वर्ष उपरांत वर्ष 1175 में ही राजा अजयपाल की अकाल मृत्यु हो गई और उनके बाल पुत्र मूलराज दो को राजगद्दी सौंपी गई। परंतु मूलराज की छोटी आयु के कारण राज्य का कारभार, राजनीति, युद्ध नीति तथा शस्त्र विद्या में भी प्रशिक्षित रानी नाइकी देवी ही संभालती थी। उस ओर गजनबी पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद मोहम्मद घोरी ने वर्ष 1175 में गोमाल दर्रे से प्रवेश कर प्रथम आज के पाकिस्तान में स्थित मुल्तान क्षेत्र और बाद में उच्च को भी सरलता से जीत लिया था। और वह घोरी ऐसी सरल जीत से घमंड में आ भारत के अन्य क्षेत्रों को भी जीतने को उत्सुक होने लगा। अनहिलवाड़ में राज्य की धुरा एक स्त्री के हाथ में होने की बात जान अहंकार में लिप्त घोरी उसकी विशाल सेना के साथ गुजरात की ओर मुड़ा, ताकि गुजरात जीतने के बाद उस मार्ग से मध्य भारत के महत्वपूर्ण राज्यों को वह सरलता से हथिया सके। घोरी की सेना की गुजरात पर आक्रमण की तैयारियों की जानकारी मिलने पर रानी नाइकी देवी ने पड़ोसी राज्यों से सहायता के लिए अनुरोध किया और युद्ध नीति और महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी कार्य शुरू किया। नरवल के राजा ने रानी की सहायता के लिए युद्ध के लिए प्रशिक्षित उत्तम हाथियों की टोली भेजी। वर्ष 1178 मोहम्मद घोरी की सेना और निकट आ रही थी और घोरी ने अपने दूत से रानी के लिए संदेशा भेज युद्ध के बदले धन संपत्ति पर अधिकार और प्रदेश की स्त्रियों को घोरी के पास भेजने का घिनौना प्रस्ताव रखा। ऐसे हीन प्रस्ताव से अत्यंत क्रोधित राजपूत रानी ने फिर भी धैर्य के साथ परिस्थिति को संभाला और रानी ने दूत को यह कहकर भेज दिया कि उन्हें प्रस्ताव मान्य है। और फिर मोहम्मद घोरी घमंड में चूर निश्चिंत होकर आगे बढ़ने लगा और वह अनहिलवाड़ से लगभग 40 मील की दूरी पर आबू पर्वत की तलहटी पर कसाहरदा गांव, जो आज के शिरोही जिले के कियारा गांव के पास गदरगट्टा आ पहुंचा। और तब अचानक से ऊंची धूल की डमरियों और हाथी घोड़ों की उसकी ओर आने की आवाज उसके कानों में टकराई। आंख उठाकर देखा तो उड़ती धूल की डमरियों के बीच से राजमाता नाइकी देवी अपने बेटे को गोद में लिए हुए हाथी पर सवार, दोनों हाथों में शस्त्र लिए अपनी सेना के साथ उसकी ओर बढ़ रही थी। एक नारी की ऐसे शक्ति रूप की कल्पना भी उसने कभी नहीं की हो। अपनी सेना की कम संख्या के कारण योजना के अनुसार युद्ध के लिए रानी ने पहले से ही वह स्थान निश्चित कर रखा था जहां पर घोरी आ पहुंचा था। क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों से रानी अच्छी तरह से अवगत थी और घोरी संपूर्ण अज्ञात और युद्ध में इसका लाभ उठाना रानी ने निश्चित किया था। दोनों सेनाएं टकराई, भयंकर युद्ध हुआ। नारियल के भांति शत्रुओं के मस्तक फोड़ते हाथी घोड़ों पे सवार शौर्य से परिपूर्ण राजपूत वीरों के सामने घोरी की सेना टिक नहीं पाई। युद्ध भूमि में मां भवानी की तरह शत्रु सेना का काल बन के उतरी रानी को देख भयभीत घोरी अपने कुछ गिने चुने अंगरक्षकों के साथ मुश्किल से ऐसा भागा कि उसका घोड़ा मुल्तान जाकर ही रुका और उस दिन के बाद उसने गुजरात की ओर मुड़कर देखा तक नहीं।
अगले वर्ष खैबर के दर्रे से होकर पेशावर और लाहौर पर कब्जा कर वह भारत में घुसा, परंतु गुजरात की एक रानी से मिली ऐसी भयानक हार को वह भूल नहीं पाया था और अपने समग्र जीवन में गुजरात की ओर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। भारतवर्ष की ऐसी वीरांगनाओं की शौर्य गाथा हमारे मुख पर सदा ही रहनी चाहिए थी, ताकि इतिहास से प्रेरणा ले हम हमारी अद्भुत मातृशक्ति से परिचित हो सके। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसी वीरांगनाओं के नाम भी आज हमारे इतिहास के पन्नों में धूल बनकर कहीं बिखर गए हैं।